आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार आगरा लौटे विधायक गगन उपाध्याय के निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। विधायक को उच्च शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना विभाग मिला है। बधाई देने वालों का कहना है कि कैबिनेट मंत्री बनने से उनका सीना चौड़ा हो गया है, उन्हें गर्व है कि उनके बीच से कोई मंत्री बना है, सभी का सपना पूरा हुआ है। मैं इस वक्त कैबिनेट मंत्री गगन उपाध्याय जी के निवास पर हूँ। यहाँ पर चूंकि वो कल रात में यहाँ पर आए हैं तो यहाँ लगभग 2:30 से 3 बज गया उनको आने में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर मिलने वालों का, यहाँ पर बधाई देने वालों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। ये लोग सुबह से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, चूँकि रात में देर से सोए थे मंत्री जी, इसलिए जो है यहाँ पर भीड़ काफ़ी है। उनके चाहने वाले, उनके जो कार्यकर्ता रहे हैं वो, और उनके जो अपने दोस्त पुराने मित्र रहे हैं वो यहाँ पर भीड़ लगा कर यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर जाने की भी व्यवस्था नहीं है, आप देख सकते हैं अंदर किस तरह की भीड़ है। थोड़ा हमें ज़रा रास्ता दीजिए, हम जरा अंदर जाना चाहेंगे। ये देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर भीड़ है, ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ भी बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं है इस वक्त। थोड़ा रास्ता दीजिए, जाने दीजिए, थोड़ा सा हल्की हटिए, थोड़ा रास्ता दीजिए प्लीज़। तो आप देख रहे हैं अंदर जाने के लिए कोई मौका नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर इधर भी देख सकते हैं जो उनका कार्यालय है पुराना, इस कार्यालय की तरफ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी लोग तमाम खड़े हुए हैं और सभी जो है बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। लोगों से जानते हैं कि उत्साह इतना कैसे जी, क्या करने आए आप? हम लोग आगरा टीचर शिक्षक संघ से हैं और ओटा से, और हम लोग मंत्री जी को बधाई देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए आए हैं। कब से खड़े थे यहाँ? हम लोग यहाँ पर 11:45 से खड़े हैं, 11 बजे समय दिया था, अभी तक मंत्री से भेंट नहीं हो पाई है। कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? मैं जिला उपाध्यक्ष कमलेश शर्मा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें भागीरथी विधायक तो थे ही हमारे, लेकिन कैबिनेट मंत्री बनकर आए हैं, तो इसकी खुशी का आगरा इजहार नहीं कर सकता है। जगह जगह भाई साहब का भव्य स्वागत लगा है और आगे भी हमारी कार्यकारिणी ऐसे ही बढ़ेगी। जय श्री राम। मंत्री जी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मंत्रिपरिषद मिलने के लिए। इसके साथ ही हम मंत्री जी का जो काफिला आया रात को, उसके जोरदार स्वागत से उत्साहित होकर के दोबारा एक बार फिर सुबह हम लोग उनसे मिलने आए हैं जोरदार स्वागत करने के लिए। और हम मिलने आए थे जी, बिल्कुल आए थे। मैं उपाध्यक्ष हूँ जन सहयोग फाउंडेशन। आपने भी आए, सुबह भी आए, आप भी आए रात में मिलने? हाँ, रात में भी आए, हम लखनऊ भी मिलने गए। मैं पिछड़ा वर्ग का जिलाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का, मथुरा से मिलने आया हूँ। ये हमारे पूरे ब्रज के गौरव हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आगरा की ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को एक नए आयाम पर पहुँचाएंगे, इसी विश्वास के साथ योगी जी ने अपने कैबिनेट में इनको शामिल किया है। आपको क्या उम्मीद लग रही है, आप मंत्री बने हैं अभी? हाँ, माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी जो मंत्री बने हैं, और जनता में एक हर्षोल्लास है, आगरा की साथ ही नहीं पूरा ब्रज क्षेत्र जो है एक उल्लास के साथ है और इनकी तरफ बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। जैसे कि गत वर्षों में एक शिक्षा का स्तर जो एक मध्यम स्तर थी और गति जो उसकी धीमी हो गई थी प्रगति की, आपके आने से अब एक उच्च शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक एक गति प्रदान होगी और हमारे बच्चे काफ़ी अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। हम इनके आभारी हैं और पूरा प्रदेश ही और पूरा ब्रज क्षेत्र ही आपके मंत्री बनने से हर्षोल्लासित है और पूरे जोश में है। हम आपके आभारी हैं और आपका भी सहयोग चाहते हैं कि आप भी समय समय पर मार्गदर्शन करते रहिए, हम आपका आभार है। तो आप ये देख रहे हैं पीछे लोगों ने कहा कि हम लोग गौरवान्वित हो रहे हैं, अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि हमें एक ऐसे भागीरथ जैसे विधायक और मंत्री मिले, कैबिनेट में उनको जगह मिली है, शिक्षा उनको दी गई है। यहाँ आप तस्वीर देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं किस तरह से है, और ये लगातार मुझे लगता है कि अब जो है लोगों में इतनी खुशी है, जो कार्यकर्ता हैं अब वो पूरी तरह से प्रफुल्लित और उत्साहित नज़र आ रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि अब शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ अच्छा होगा। कैमरा पर्सन अनूप साथ विनोद जूनियर, सी न्यूज आगरा।